योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए और पूरे होने पर प्रदेश में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार में नौजवानों को रोजगार मिला, शिक्षा हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगी सरकार ने बेहतर कार्य किया है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में योगी सरकार ने काम किया है। कोरोना काल में भी योगी सरकार ने हर तबके के लोगों का ख्याल रखा है। विपक्षी भी जानते हैं कि योगी सरकार बेहतर है, इसीलिए बिना मतलब के मुद्दे बनाती है। एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे योगी जी के 4 साल पूरे हो गए हैं और क्या संदेश देना चाहती है और क्या बताएंगे उनकी उपलब्धियों के बारे में। मैम क्या कहेंगे? देखिए, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का जो संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में आरूढ़ हुई थी, जिन संकल्पों के साथ आरूढ़ हुई थी, जिन प्रतिबद्धताओं के साथ आरूढ़ हुई थी और पहली कैबिनेट से जो निर्णय लिए थे, जो दिशा उन्होंने संकेत दिए थे, आज हम देख रहे हैं कि चाहे कानून का राज हो, चाहे औद्योगिक विकास की रफ्तार हो, चाहे युवाओं के हाथ में रोजगार की बात हो, चाहे पारदर्शिता युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और ऐसी जिनको उत्तर प्रदेश का युवा भूल चुका था कि सरकारी नौकरियां कहीं ऐसे संभव हैं क्या, लंबे समय से भ्रष्टाचार से युक्त इस प्रकार की व्यवस्था से उत्तर प्रदेश का युवा जूझ रहा था, न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था बल्कि उसके हाथ को रोजगार भी, और न सिर्फ सरकारी नौकरी बल्कि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देकर और जिस तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इतनी लंबी छलांग लगाकर 23 से दूसरे नंबर पर आ गए हैं, आज उत्तर प्रदेश में निवेश का वातावरण बना है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संभावनाओं वाला उत्तर प्रदेश आज बन गया है और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का भारत है, उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ता हुआ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व का उत्तर प्रदेश आज हम बनता संवरता बढ़ता देख रहे हैं। लेकिन मैम, जो विपक्षी वो लगातार आरोप लगाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई मुद्दा बचा नहीं है। जो प्रतिबद्धताएं किसी भी लोक कल्याण को समर्पित सरकार की होती हैं, उन सारी प्रतिबद्धताओं में एक योगी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। 14 घंटे माने कोविड के दौरान प्रतिदिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का नाम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सराहा है, एक मानक संस्था है वो हेल्थ के एरिया की, तो आज कोई कसौटी बची नहीं जिस पर कसकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा सकें। ये थी माननीय मंत्री जी नीलिमा कटियार। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि योगी सरकार में जो भी योजनाएं थी वो अच्छी हो रही हैं, उन्होंने 4 साल में बेहतर कार्य किया है, युवाओं को रोजगार मिला है और हर क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, आगे भी योगी सरकार अच्छा कार्य करेगी। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ ऑन।